इस समय हम लुधियाना शहर के ग्लाडा ऑफिस के बाहर खड़े हैं। ये वो ऑफिस है जहाँ पर जितनी भी कॉलोनियाँ बनती हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया के बाहर, उनकी मंजूरी इसी डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है, और जो नगर निगम के अंडर बनती हैं उसमें भी लॉ एंड जो रेगुलेशन है ग्लाडा की लागू होते हैं। तो आज हम पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आए हैं, जिनसे हमने कई बार सूचना मांगी है, अमूमन तो वो देते नहीं हैं, जब देते हैं तो कोई ना कोई खामियां निकाल देते हैं। तो अब की बार उन्होंने क्या कहा कि आप आईडी प्रूफ लेके आएँ, अपना आधार कार्ड लेके आएँ, कि आप वही आदमी है जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। ये पहला डिपार्टमेंट है, हमने हज़ारों आरटीआई डाली हैं लेकिन किसी ने ये डिमांड नहीं की। तो ये ग्रेटर जो हमारा जो ग्लाडा है, जहाँ के जो अफसर लोग हैं, वो ना जाने ये क्यों डिमांड कर रहे हैं। आपके पास अगर सूचना है तो दे दीजिए, आपने क्या करना है, कोई ले आपके हिसाब से या आपके मतलब से। तो ये है कि जो सूचना ले रहा है उसको आप सूचना दे दीजिए, आपको उससे ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड है, आपने रिकॉर्ड की कॉपी देनी है, आपने कोई अपने विचार तो लिख के नहीं देने कि ग्लाडा क्या कर रहा है या ग्लाडा क्या करेगा। जो आपके पास डॉक्यूमेंट आप देंगे तो हम धीरे धीरे करके उस दफ्तर की तरफ जा रहे हैं जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, जहाँ पर बैठते हैं, जो सूचना देते हैं। भूपिंदर सिंह आईएएस ऑफिसर से मिलने के लिए जहाँ पर बैठे हैं, कि चलो हमने सोचा कि चलो आईएएस ऑफिसर है, मिल चलते हैं, क्योंकि हमें आरटीआई का जो ऑफिस था वो नहीं मिल रहा था। तो लेकिन हम यहाँ पर आधे घंटे से बैठे हैं, लेकिन साहब जी अपने काम में बहुत ही मशगूल हैं। चलो होना भी चाहिए, पब्लिक का काम कर रहे हैं, तभी तो इतनी इलीगल कॉलोनियाँ लुधियाना में बन चुकी हैं। लीगल तो मुझे कोई दिखाई नहीं देती, इलीगल काम कराने में ये डिपार्टमेंट इतना कामयाब हो चुका है, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही किसी भी जो जितनी भी ये कॉलोनियाँ बनती हैं। तो चलो हम उठकर चले हैं जहाँ से, क्योंकि साहब जी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो पता नहीं क्या बात हो रही है उनकी अंदर। तो हम चले हैं इस महफिल को छोड़ के। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर जब अंदर गए तो हमारे पास कैमरा था, तो वो कहते हैं जहाँ पर फोटोग्राफी नहीं करनी। मैंने कहा क्या जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ है, जो हिंदुस्तान का जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन रखा है, जो चाइना को पता चल जाएगा, जहाँ पर फोटोग्राफी नहीं करनी है, जहाँ पर वीडियोग्राफी नहीं करनी है, क्या है? मैंने कहा आपके पास पब्लिक के डॉक्यूमेंट है, जो पब्लिक का जो एक महकमा है, जो पब्लिक डिपार्टमेंट है, जहाँ पर जहाँ पर आप कोई दो नंबर का काम करते हैं, जो जहाँ पर फोटोग्राफी नहीं करनी। आजकल तो वैसे कैमरे इतने आए हुए हैं, हिडन कैमरे आए हुए हैं, जो मर्जी जहाँ पर कर सकता है, मोबाइल से कर सकता है। लेकिन जब हम बड़ा कैमरा लेके जाते हैं, एज ए जर्नलिस्ट हम जाते हैं, तो ये लोग कहते हैं वीडियोग्राफर नहीं करनी, जो यही नहीं करना, वो नहीं करना चाहिए। मैं तो ये पूछता हूँ कि जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन है, जहाँ पर परमाणु बम रखे हुए हैं, जो हमारे देश के रक्षा में जो बहुत बड़ी चुनौती बन जाएंगे, जो हमारे देश के खतरा है, या जहाँ पर ये इतने डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं जो लोगों के लिए खतरा है, जहाँ पर ये पब्लिक के जो डॉक्यूमेंट है जहाँ रखे हुए हैं, जो इलीगल कॉलोनियों को या लीगल कॉलोनियों के डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, जहाँ पर ये नहीं करना, वो नहीं करना, बड़ी ये सोचने वाली बात है। देखिए, ये बड़े बड़े लोगों की गाड़ियाँ भी यहाँ ऊपर तक आती हैं, जैसे होटल पार्क प्लाजा में लोगों की गाड़ियाँ आती हैं, तो वैसे जहाँ पर भी साहब को मिलने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। ये हम इस समय लुधियाना के ग्लाडा के ऑफिस में बैठे हैं, और यहाँ पर एक आरटीआई की हम इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए थे, लेकिन हमको दफ्तर कहीं मिला नहीं। तो जो साहब हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, कहते हैं 410A आप दे दीजिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैंने कहा भाई, हमारा आईडी प्रूफ पूछ रहे थे कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं या चाइना या पाकिस्तान के नागरिक हैं। तो मैंने उनको सबूत दे दिया कि मैं हिंदुस्तान
पाकिस्तान का नागरिक हूँ, मेरे को इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि हम आपको बता देना चाहते हैं जो वो डिपार्टमेंट है गलाडा जहाँ पर अभी IAS अफसर जो है भूपिंदर सिंह जी है, उनसे भी हम मिलने के लिए आधा घंटा बैठ रहे हैं, लेकिन उन साहब के पास भी समय नहीं है, क्योंकि जहाँ पर बहुत जायज कॉलोनी है जो इलीगल काम हो रहा है लुधियाना में, लेकिन हज़ारों कॉलोनियाँ जो इलीगल बन चुकी हैं आज भी बन रही हैं, ये जाते हैं वहाँ पर बुलडोजर फेरते हैं, दो तीन सड़कों के ऊपर घर वापस आ जाते हैं, और धीरे धीरे लोग वहाँ पर मकान बनाना शुरू कर देते हैं और वो कॉलोनी बन जाती है, कोई ना कोई सरकार आती है उनको पास कर देती है। सारा इलीगल जो लुधियाना शहर है इस गलाडा की मेहरबानी से या पुडा की मेहरबानी से बन चुका है भाई, 20-20, 15-15 फुट की सड़कें जहाँ इन लोगों ने बनवा दी हैं, ये अफसर जो हैं IAS अफसर, जिनको सिर्फ अपने जो पोस्ट है उसी से मतलब है, पब्लिक से मतलब नहीं है इनको, समाज से मतलब नहीं है इनको, और इनको ये अपना देखिए जब कैसे साफ बन के बैठे हुए, जब तक ये साफ बन के बैठे रहेंगे लोग दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे भीड़ लगाकर, तो आप सोचिए कि आप भी आज गुलाम हैं, गुलाम हैं आप, पहले अंग्रेजों के गुलाम थे आज इन लोगों के गुलाम हैं। ये क्या करके आए हैं, ये पढ़ाई IAS अफसर की बड़ी पढ़ाई नहीं होती, यही डिप्टी कमिश्नर बनते हैं और इनके सारे डिपार्टमेंट जो इंडिया के इन्हीं के पास हैं, ये पढ़ाई से नहीं तजर्बे से काम होना चाहिए, तजर्बा नहीं है तभी तो किसी आप प्रॉपर्टी डीलर को ले आइए जहाँ पर, वो कॉलोनियाँ जो नजायज बन रही है उनको एक दिन में बता देगा ये कैसे जायज़ हो सकती हैं, क्योंकि उनको मालूम है गुर क्या है कैसे होना चाहिए, लेकिन आज हमारा जो पंजाब का जो हिंदुस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है इन अफसरों के कारण हुआ है, क्योंकि ये अपने अफसर शाही दिखाते हैं, इनको घमंड है, इनको अहंकार है कि हम अफसर हैं, ये देश की सेवा करने के लिए नहीं, ये नौकरी लेने के लिए बैठे हैं, तो इनके पास बड़े बड़े लोग आते हैं जो खुश हो जाते हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं, जब सब लोग खुश हो जाते हैं तो इनको गिफ्ट वगैरह भी दे जाते होंगे, तभी तो ये उनको कुछ कहते हैं, जब तो इलीगल कॉलोनियों की इतनी भनमार है जहाँ पर, आज तक कॉलोनी कोई ऐसी है जो ना बनी हो, जिसको गलाडा ने गिराया हो, सब वहीं की वहीं खड़ी हैं, बनेगी वो जरूर बनेगी, सिर्फ ये डिपार्टमेंट जो गलाडा है सिर्फ दिखावा है और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है ये, और जितना इलीगल काम इस गलाडा में होता है किसी भी डिपार्टमेंट में शायद नहीं होता होगा, क्योंकि हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जहाँ पर आए थे और इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को ढूंढते ढूंढते इधर उधर घूमते रहे, लेकिन वो नहीं मिला, तो हमने सोचा कि IAS अफसर से मिलने, भूपिंदर सिंह से, वो भी बहुत बिजी हैं, आधा घंटा खड़े कि हम वापस आ गए हैं। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।